हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस पार्ट पार्ट 8 ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिमेट्रिक एंड स्किव सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इस भाग में मैं आप लोगों को सिमेट्रिक और स्किव सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको पार्ट 6 में मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बारे में बताया था, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसके रो को कॉलम में हम अगर लिख दें तो कॉलम ऑटोमेटिकली रो में आ जाएगा, और वो मैट्रिक्स जो है वो गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा, जिसे AT या ए डैश से डिनोट करते हैं। ये मैंने आपको पार्ट 6 में बताया था। आज उसी प्रॉपर्टी यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स को यूज करते हुए हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करेंगे। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स से ही हो सकती है, यानी जिसमें रो और कॉलम के नंबर सेम होंगे वही मैट्रिक्स सिमेट्रिक या स्किव सिमेट्रिक हो सकती है, अदरवाइज कोई और मैट्रिक्स सिमेट्रिक या स्किव सिमेट्रिक नहीं हो सकते। आइए, आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज ए। जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स होता है तो उस केस में उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइए देखिए, a इक्वल a i j n वेयर i कॉमा j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू n इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएंगी इफ a ट्रांसपोज इक्वल e। किसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स और वो मैट्रिक्स दोनों अगर सेम है तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अब अगर ए इक्वल ए आई जे एन है तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए जे आई ऑफ एन, यानी मैट्रिक्स ए जे आई ऑफ एन इक्वल मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ एन, यानी jth रो ith कॉलम का एलिमेंट वही है जो कि ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट है। उस केस में मैट्रिक्स हमेशा कैसी कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। एक बहुत अच्छी पहचान मैं बता देता हूँ आपको। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल देखें तो डायगोनल को में अगर हम एक मिरर रख दें तो एलिमेंट्स की जो इमेज आएंगी वो सेम इमेज दिखनी चाहिए, यानी ऊपर और नीचे सेम एलिमेंट दिखने चाहिए। ये देखिए, ये एक एग्जांपल है, ये डायगनल मैंने रखा। अब डायगनल के ऊपर -1 है और इधर भी -1 है, यानी अगर ये मिरर है तो -1 की इमेज -1 ही दिखाई देगी। आप इधर देखिए, ये 3, 5, -1 डायगनल के एलिमेंट है। अब इधर देखिए 2 है, ये भी 2, -2, -2, 4, 4। तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करें तो उस केस में वही मैट्रिक्स दिखे तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। आयत रो जयत कॉलम का एलिमेंट, यहाँ देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट सेम है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट सेम है। यहाँ पे देखिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट सेम है। ये मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अगर हम स्किव सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें तो ए ट्रांसपोज इज -A। ए ट्रांसपोज यानी किसी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स का निगेटिव मैट्रिक्स हो, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स का निगेटिव मैट्रिक्स हो। फॉर स्किव सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज -A। अब अगर ए ए आई जे ऑफ एन है मैट्रिक्स तो ये क्या हो जाएगा, ए जे आई ऑफ एन ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ए जे आई ऑफ एन मैट्रिक्स
मैट्रिक्स इज निगेटिव ऑफ ए आई जे ऑफ एन मैट्रिक्स, यानी जेथ रो आयथ कॉलम का एलिमेंट आयथ रो जेथ कॉलम के एलिमेंट का निगेटिव होगा फॉर आई नॉट इक्वल जे, यानी रो के नंबर और कॉलम के नंबर सेम ना हो, और ए आई जे जीरो होगा फॉर आई इक्वल जे, यानी आई और जे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम अगर सेम होगा, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, तो वहां पे एलिमेंट क्या लिखा होगा, जीरो, यानी डायगनल एलिमेंट जीरो होते हैं। ये देखिए एग्जांपल, ये डायगनल एलिमेंट है, ऊपर इधर -7 है तो इधर उसका अपोजिट +7। यहाँ पे देखिए ये डायगनल के सारे एलिमेंट जीरो हैं, यहाँ पे 2 है ये -2, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट 2 है तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट -2 है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट -5 है तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट +5 है, सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट अगर +1 है तो थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट -1 है। यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायगनल के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, किसके लिए, स्किव सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। ये नोट लिखा है, फॉर स्किव सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल डायगनल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो। आखिर ऐसा क्यों है, आइए जरा ध्यान से देखें। हम लोग जैसे डेफिनेशन देख रहे हैं, ये चीज हमने क्या कहा, ये ए ट्रांसपोज इज माइनस ए, ए जे आई ऑफ एन इज माइनस ए आई जे ऑफ एन, यानी ए जे आई इक्वल माइनस ए आई जे, ए जे आई इक्वल माइनस ए आई जे। अब देखिए इफ आई इक्वल जे, आई और जे सेम हो जाए तो ये क्या लिखा जाएगा, ए आई आई, जे की जगह हमने आई रख दिया, इधर भी माइनस ए आई आई, ये आई इक्वल जे का मतलब क्या है, ये डायगनल के एलिमेंट को बताने लग गया। अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए आई आई इज जीरो, या ए आई आई इज जीरो। सो डायगनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्किव सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो, डायगनल एलिमेंट्स हमेशा जीरो जरूर होंगे, किसके लिए, स्किव सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, फॉर स्किव सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल डायगनल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो। अब यहाँ पे दो थ्योरम रेज होते हैं, पहला थ्योरम, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी किसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए और उसके ट्रांसपोज का सम हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और उनका डिफरेंस हमेशा स्किव सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्किव सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आइए देखिए थ्योरम वन, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज, ये रियल नंबर ले लिया गया है, कॉम्प्लेक्स नहीं लिया गया है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्किव सिमेट्रिक। आइए जरा देखें, कोई मैट्रिक्स हम जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल में लिए हुए हैं, इस मैट्रिक्स के को ले लेते हैं, या कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं जो यहाँ पे लिखी है, बी, बी मैट्रिक्स ये है, बी ट्रांसपोज कर लीजिए, बी ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया, आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया 2 -2 -4, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम लिख दिया -1 3 4, थर्ड रो को थर्ड कॉलम लिख दिया 1 -2 -3। अब बी प्लस बी ट्रांसपोज कर दीजिए, बी प्लस बी ट्रांसपोज, आप एडिशन रूल जानते ही हैं, दोनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए, ये भी 3 ऑर्डर का है, ये भी 3 ऑर्डर का है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे 2 + 2 = 4, -1 -2 -3, 1 + -4 -3, -2 + -1 -3, 3 + 3 = 6, -2 + 4 + 2, 1 + -4 - 3, 4 + -2 = 2, -3 - 3 - 6। अब आप देखिए ध्यान से, डायगनल के एलिमेंट ये है,
आप देखिए इसके मिरर इमेज बन रही है -3, -3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट सेम है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट सेम है। सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट सेम है, यानी मिरर इमेज आ रही है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसा है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का सम वो हमेशा कैसा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ध्यान रखिएगा, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पॉसिबल है। अब B-B ट्रांसपोज ले लेते हैं, B-B ट्रांसपोज। आइए माइनस कीजिए, या ध्यान से देखिएगा, 2-2 0, -2 -1 यानी -1, -4 -1 -5, -2 -1 -1, -1 -2 यानी +1, 3-3 0, 4-2 6, 1-4 5, -2 -4 -6, और -3 -3 0। अब आप देखिए डायगनल के सारे एलिमेंट जीरो है, और यहां पे देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट -1 है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट +1 है, यानी निगेशन ऑफ दिस एलिमेंट। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट -5 है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट +5 है, सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट +6 है, थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट -6 है, यानी ये स्किप सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर इंक्रीज, A+A ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक और A-A ट्रांसपोज हमेशा स्किप सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब थ्योरम सेकंड पे बात करते हैं हम लोग। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्किप सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक और स्किप सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं बोर्ड में, ठीक है। तो इस पर आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा और इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। देखिए आइए, मैंने मैट्रिक्स ए ले लिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, आप जानते हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब 2A को हमने लिख लिया A+A, ये 2A हो गया। अब A ट्रांसपोज हमने ऐड किया और A ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर दिया, A ट्रांसपोज को ऐड किया और A ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये क्या हो गया, ½A+A ट्रांसपोज ++ ½A-A ट्रांसपोज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ये B+B ट्रांसपोज है क्या, सिमेट्रिक है, तो यानी ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, और ये क्या है, स्किप सिमेट्रिक है, यानी ये मैट्रिक्स स्किप सिमेट्रिक हो गई। और आप देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्किप सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिया है, एक्सप्रेस मैट्रिक्स बी इक्वल दिस वन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्किप सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन करते समय क्या करेंगे, मैट्रिक्स बी लिखेंगे, फिर बी ट्रांसपोज लिखेंगे, फिर मैट्रिक्स बी एक पी में ले लेंगे, पी इक्वल ½B+B ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स ले लेंगे। अब आप इसका हाफ करिए तो आप क्या पाएंगे, ये हो जाएगा 2-3/2 -3/2 -3/2 3 1, फिर -3/2 फिर 1 और फिर -3। अब इसका अगर आप ट्रांसपोज करेंगे, आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स लीजिए पी ट्रांसपोज, तो पी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिखा जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हम लोग लिख ले रहे हैं,
ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिख लीजिए, सेकंड रो सेकंड कॉलम में लिख लीजिए, थर्ड रो थर्ड कॉलम में लिख लीजिए। अब आप देखिए दोनों मैट्रिक्स में कोई डिफरेंस है नहीं, ये मैट्रिक्स पी ही लिखा है। जब पी ट्रांसपोज पी हो जाएगा तो उस केस में इसे क्या कहेंगे हम लोग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है। अब आ जाइए दूसरी मैट्रिक्स क्यू ले लेते हैं हम लोग, क्या हाफ बी माइनस बी ट्रांसपोज, बी माइनस बी ट्रांसपोज हमने निकाला हुआ है उसका हाफ कीजिए तो ये क्या आएगा, जीरो माइनस वन बाई टू माइनस फाइव बाई टू फिर वन बाई टू जीरो थ्री फाइव बाई टू माइनस थ्री जीरो। अब इसका क्यू ट्रांसपोज निकालिए, यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालिए। आप देख सकते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिखा जाएगा जीरो माइनस वन बाई टू माइनस फाइव बाई टू वन बाई टू जीरो थ्री, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में लिखिए, थर्ड रो थर्ड कॉलम में लिख दिए। और आप देखिए अगर इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें तो यानी हर एलिमेंट से माइनस कॉमन आ जाएगा, तो वो माइनस कॉमन निकालने के बाद यही क्यू मैट्रिक्स दिखने लगेगी। और क्यू ट्रांसपोज अगर क्यू माइनस क्यू के इक्वल है तो ये स्किप सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब हमने पी निकाल लिया क्यू निकाल लिया, इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो दोनों का सम यही मैट्रिक्स आ जाएगा। आइए देखिए, टू प्लस जीरो टू, माइनस थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू का सम माइनस फोर बाई टू यानी माइनस टू, माइनस थ्री बाई टू माइनस फाइव बाई टू का सम माइनस एट बाई टू यानी माइनस फोर, माइनस थ्री बाई टू और वन बाई टू का सम माइनस टू बाई टू यानी माइनस वन, थ्री प्लस जीरो इज थ्री, वन प्लस थ्री इज फोर। अब माइनस थ्री बाई टू प्लस फाइव बाई टू इज वन बाई टू, दैट इज टू बाई टू दैट इज वन, वन प्लस माइनस थ्री इज माइनस टू एंड माइनस थ्री प्लस जीरो इज माइनस थ्री। फिर हम लोग दोनों का सम करके दिखा देंगे और वो मैट्रिक्स बी है। दैट्स द वे दैट वी कैन एक्सप्रेस एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्किप सिमेट्रिक मैट्रिसेस। यहाँ पे हम लोग का मैट्रिक्स पोर्शन समाप्त हो रहा है। मैट्रिक्स में अभी और भी चीज़ें हैं लेकिन वो अब डिटर्मिनेंट से रिलेट हो रही है। तो पहले अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट से डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे, डिटर्मिनेंट पे बात करेंगे, डिटर्मिनेंट को जानते हुए फिर उसके बाद जो मैट्रिक्स के रेस्ट पोर्शन है जो कि डिटर्मिनेंट के साथ चलेंगे, वो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स एक साथ दोनों की प्रॉपर्टीज दोनों के कॉन्सेप्ट यूज होकर के होता है उस पर डिस्कशन करेंगे। टिल देन गुड बाय, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन गो टू वेब लिंक, raise your problem, I will definitely solve them. Till then, goodbye. Thank you.